दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट A320M मदरबोर्ड्स की। तो मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत अच्छी लगी लोगों को और इस पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है, तो इसलिए मैं सोचा एक अपडेटेड गाइड इस पर बना दूं, क्योंकि अब 2020 चालू हो चुका है और बहुत ही सारे जो ब्रांड्स हैं उन लोगों ने अपनी जो मदरबोर्ड की कैटेगरी है उनमें एक नया रिफ्रेशमेंट लाया है, जैसे कि गीगाबाइट हो गया और MSI, और कुछ ब्रांड्स हैं जिनके मदरबोर्ड्स मार्केट में है ही नहीं अवेलेबल। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना अपडेटेड गाइड बना दूं, क्योंकि लोग वो वाले देख रहे हैं वीडियो तो हो सकता है कि वो मदरबोर्ड कोई गलत ले ले, क्योंकि जो वीडियो है वो पुरानी हो चुकी है 6 महीने और अभी जो मदरबोर्ड्स है वो नए आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नए मदरबोर्ड्स लो, अपना पैसा नए में इन्वेस्ट करो, ना कि पुराने में। तो इसलिए ये एक अपडेटेड गाइड है, उसका इस वीडियो का लिंक मैं उस वीडियो में भी डाल दूंगा कार्ड में, और जो उस वीडियो का लिंक है वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ऐसे उल्टा कर दूंगा, ताकि अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं बेस्ट A320M मदरबोर्ड्स की 2020 में। तो दोस्तों अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में, तो अभी मार्केट में अगर आप A320M मदरबोर्ड लेने के लिए जाते हो या ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो आपको अभी तो फ़िलहाल दो ही ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं, और वो है एक गीगाबाइट का जो कि हो गया A320M S2H वाला जो कि बहुत पॉपुलर है, और एक हो गया A320M सिर्फ H वाला। तो दो यहाँ पे दो गीगाबाइट के मॉडल्स हैं, जो कि एक A320M S2H हो गया और एक H। अगर हम बात करें MSI के बारे में, तो MSI ने एक नया रिफ्रेशमेंट लाया है जिसका नाम है MSI A320M A Pro Max। तो वो भी एक बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, मेरे ख्याल से गीगाबाइट से ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये दो मदरबोर्ड्स तो हम आज के इस वीडियो में ले रहे हैं। जो तीसरा मदरबोर्ड था जो मैंने पुरानी वीडियो में जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो था कि ASRock का A320M HDV वाला मदरबोर्ड, लेकिन अभी वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से ऑफलाइन में आपको शायद मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन में तो अभी अवेलेबल नहीं है। प्लस उसमें BIOS अपडेट का भी क्या चक्कर है वो भी नहीं पता हमें। और ASRock अभी इंडिया में ASRock के मदरबोर्ड्स पता नहीं क्यों उनके ASRock के मदरबोर्ड्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो इसलिए हम ASRock को नहीं ले रहे। तो यहाँ पे दो गीगाबाइट के हो गए, एक हो गया S2H और H, और MSI का A320M A Pro Max। तो ये MSI का नया वेरिएंट है जो 2020 में MSI ने लॉन्च किया है, A320M A Pro Max मदरबोर्ड A320M चिपसेट पे बेस्ड। तो इन दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे और देखते हैं इन तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तीनों में ही कुछ ना कुछ फ़र्क है और कुछ मतलब मोस्टली सब सिमिलर ही है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों बात करें गीगाबाइट के S2H वाले की, तो S2H में आपको सभी पहले काम करता हूँ मैं, क्योंकि सभी तीनों मदरबोर्ड्स में सिमिलर चीज़ें हैं, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो MSI गीगाबाइट के दोनों मॉडल्स H2H और H वाला दोनों को ही हम ले रहे हैं, और MSI का A320M A Pro Max, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहले मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डाल देता हूँ जो कि मेरे ख्याल से बजट मदरबोर्ड में भी है, वो है M.2 NVMe का सपोर्ट। तो तीनों ही मदरबोर्ड्स M.2 NVMe सपोर्ट करते हैं, तीनों ही AM4 A320 पे भेज रहे, ये तो होना ही है, लेकिन फिर भी बोलना काम है। और यहाँ पे तीनों ही मदरबोर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर सेम की बात करें तो बस ये चीज़ सेम हो गई। अभी हम डिफरेंशिएटिंग की बात करते हैं, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मदरबोर्ड के VRM की, तो VRM यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, और अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास कोई मदरबोर्ड्स आया नहीं है, ना कंपनी मुझे अभी कोई ब्रांड्स मुझे कोई सेंड करते हैं। तो जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से MSI और गीगाबाइट का H वाला मॉडल, इन दोनों में VRMs काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। S2H में भी होगी मेरे ख्याल से डेफिनेटली, लेकिन H नया मॉडल है, S2H का अपग्रेड H वाला है, तो ऑफकोर्स H में VRMs का थोड़ा बेटर होना ज़्यादा लगता है कि हाँ H वाला ज़्यादा बेटर रहेगा VRMs के क्वालिटी में। और MSI का भी VRM यहाँ पे बहुत अच्छे है, और MSI तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैंने टेस्टिंग नहीं की है। तो VRMs में मेरे ख्याल से दोनों ही सही है, और दोनों आप किसी के साथ भी जाओ आपको कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम VRM को देखने में नहीं मिल जाती, तो आप दोनों में ही ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो Ryzen लगा के।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे मैक्स मेमोरी सपोर्ट की, तो जो दोनों ही मदरबोर्ड्स है, दोनों मतलब गीगाबाइट और MSI के, गीगाबाइट के जो दोनों मॉडल्स है उसको मैं एक ही में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों H2H और H सेम ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है यहाँ पे, एक चीज़ का भी फ़र्क मुझे नहीं दिखा। तो मैक्स मेमोरी सपोर्ट की यहाँ पे हम बात करें तो जो गीगाबाइट का है और जो MSI का है उनमें ये फ़र्क है कि जो गीगाबाइट का H2H है और H है वो मैक्स सपोर्ट करता है 32 GB की मेमोरी, दो ही स्लॉट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जबकि जो MSI है उसमें भी आपको दो DIMM स्लॉट्स मिल जाते हैं लेकिन सपोर्ट करता है मैक्सिमम 64 GB की मेमोरी। लेकिन प्रैक्टिकली एक दो स्लॉट में 64 GB फिट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े साइज़ की स्टिक्स जो हमें थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं और मेरे ख्याल से मिलती भी नहीं होगी, तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, 64 GB का सपोर्ट यहाँ पे रहता है, तो अगर आप चाहो तो 64 GB तक जा सकते हो MSI के A Pro Max में। बात करें यहाँ पर हम इसके पावर कनेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे पावर कनेक्शन में भी यहाँ पे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मुझे दिखा कि जो MSI का है वो 4-pin पावर कनेक्टर यूज़ करता है CPU का, जबकि जो गीगाबाइट के दोनों मॉडल्स है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे 8-pin। इसका मतलब ये है कि जो आप हायर एंड राइजन CPUs है, जो जैसे हो गए Ryzen 7, Ryzen 9, वो आप गीगाबाइट में लगा सकते हो, लेकिन MSI की बात करें तो शायद वहाँ पे Ryzen 7 और Ryzen 9 लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो बड़े PSUs होते हैं, जो ज़्यादा पावर वाले PSUs होते हैं, वो आपको 8-pin कनेक्टर देते हैं। इसका मतलब वो Ryzen 7 और Ryzen 9 और बहुत बड़े बिल्ड्स के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन MSI में आपको सिर्फ 4-pin कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 100 वॉट तक CPU पावर दे सकता है, उससे ऊपर वो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आप ऐसे हो कि Ryzen 7 और Ryzen 9 भी लगा सकते हो उस पर टेस्टिंग के लिए, तो आपको गीगाबाइट के साथ ही जाना चाहिए। बाकी एक मेजर फैक्टर ये है जो MSI में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और वो ये है कि MSI में जो USB पोर्ट्स है वो USB 3.2 Gen 1 या 2 वाले पोर्ट्स है, Gen का अभी मुझे याद नहीं, लेकिन 3.2 है इतना कंफर्म है, Gen 1 है या Gen 2 है। लेकिन जो गीगाबाइट में है वो आपको USB 3.1 Gen 1 आपको USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी जो MSI का मदरबोर्ड है वो एकदम अपडेटेड मदरबोर्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिल जाती है USB के मामले में। तो USB 3.2 Gen 1 या 2 आपको मिल जाता है देखने को MSI के A Pro Max में। तो MSI मेरे ख्याल से ज़्यादा ही अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफर कर रहा है, और ऑडियो के बारे में हम कंपेयर नहीं करने वाले, मोस्टली वो सब में सेम होता है, इसलिए ऑडियो के मामले में हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। लेकिन जो जैसे कि मैंने बताया कि USB आपको 3.2 Gen मिल जाता है, Gen 1 या 2 आपको MSI में देखने को मिल जाता है, बस यही मेजर फैक्टर थे। बाकी MSI ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफर कर रहा है, गीगाबाइट की एक चीज़ है, क्योंकि मुझे खुद भी एक PC बिल्ड करना है और मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ MSI और गीगाबाइट में, लेकिन मेरा जो ज़्यादा वेटेज है वो जा रहा है MSI के तरफ, यानी मैं शायद, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैं 70% प्रीफर करूँगा कि आप MSI के साथ ही जाओ, क्योंकि MSI यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको वैल्यू ऑफर कर रहा है, और VRMs भी MSI की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है, मतलब ज़्यादा लोग बोलते हैं कि MSI के VRMs अच्छे, लेकिन गीगाबाइट के भी अच्छे हैं। लेकिन मैं बहुत ही बजट में हूँ, तो एक और बजट फैक्टर आपको देखने को मिल जाता है इस कंपैरिजन में, कि अगर आप एकदम टाइट बजट पे हो तो गीगाबाइट का A320MH या MSI का A320 A Pro Max, दोनों में से जो पहले सस्ता मिल रहा है आप वो ले लो, अगर आप एकदम टाइट बजट में हो। 200-300 भी सेव करना, अगर आपको मतलब आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ 200-300 सेव हो जाए, उसमें एक कूलर मार्शल का अच्छे से थर्मल पेस्ट आ जाएगा, तो आप ज़रूर एक जो भी आपको सस्ता मिल रहा है आप उसी के साथ जाओ। मैं बहुत, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छा, और दोनों में ही ज़्यादा कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे क्वालिटी के मदरबोर्ड्स हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बोला कि दोनों ही अच्छे हैं, तो आप किसी के साथ भी जाओ, आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी देखने को, मतलब VRMs और जो मदरबोर्ड है वो मतलब आपको एकदम स्टेबल, दोनों ही आपको स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं और ड्यूरेबिलिटी भी, तो आप किसी के साथ भी जाओ। एक और फैक्टर ये है कि आपको MSI में, अगर हम डिस्प्ले पोर्ट की बात करें, डिस्प्ले पोर्ट मतलब डिस्प्ले ऑप्शंस, तो वो NVIDIA वाला डिस्प्ले पोर्ट नहीं, नॉर्मल डिस्प्ले पोर्ट्स, तो आपको MSI में एक DVI देखने को मिल जाता है और एक HDMI देखने को मिल जाता है, जो कि 4K 60 हर्ट्ज तक जा सकता है। और गीगाबाइट की अगर हम बात करें तो गीगाबाइट हमें देता है VGA, HDMI और DVI, सबका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें 4K आपको मिल जाएगा 24 हर्ट्ज पे। तो ये एक मेजर फैक्टर और है, तो अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो आप
को इससे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और 4K में एक्चुअली कोई यूज़ करता भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा भी प्रैक्टिकल रीज़न नहीं होने वाला कंपेरिजन का। तो मतलब आप आपके नीड्स के हिसाब से आप जा सकते हो, अगर आपको सेव करना है तो दोनों में से जो सस्ता मिले उसके साथ जाओ। लेटेस्ट USB टेक्नोलॉजी चाहिए और MSI की क्वालिटी चाहिए और एक अच्छा BIOS चाहिए तो आप MSI के साथ भी जा सकते हो भाई, USB 3.2 Gen मिल जाता है। और अगर आपको गीगाबाइट मेरी तरह ब्लैक PC भी अच्छा लगता है तो आप ऑफकोर्स गीगाबाइट के साथ भी जा सकते हो। तो लेकिन MSI के मदरबोर्ड्स एक्चुअली में थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो टोमाहॉक है मैंने देखा और जो मोर्टार है MSI के B450 वाले, वो मतलब काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आते हैं और गीगाबाइट से थोड़ा उनका जो मतलब जो उनकी क्वालिटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है। तो अगर आप गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज़ कर चुके हो तो आप मेरे ख्याल से MSI के साथ ही जाओ। अगर आपने गीगाबाइट का नहीं यूज़ किया है तो गीगाबाइट को भाई यूज़ करके देख सकते हो। मेरा अभी भी ये रहेगा, अगर आप एकदम टाइट बजट में हो तो ऑफकोर्स आप जो सस्ता दे रहा है आपको, मतलब जो भी आपको लोकल डीलर है रिटेलर है जहाँ पे आपको सबसे सस्ता मिल रहा है A320M में से ये दो मॉडल गीगाबाइट MSI, जहाँ पे आपको मतलब जो भी आपको सबसे सस्ता मिल रहा है आप उसके साथ जाओ, पैसे बचाओ। थर्मल पेस्ट भी लगा सकते हो या उसके बदले में एक RGB फ़ैन दे सकते हो, अपने केस में लगा सकते हो या वो बचे हुए पैसे को केस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप अपने PC को लुक्स वाइज भी इम्प्रूव करो। और अगर थर्मल पेस्ट की बात करें तो आप कूलर मास्टर का एक काम कर रहा हूँ, कूलर मास्टर का नया थर्मल पेस्ट है उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।